अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है। इसके लिए हम अपने प्रोडक्ट्स के टैब में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स या फाइंड प्रोडक्ट, अगर आपकी यहाँ आप लोकल सेलिंग कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट आपके घर पर मौजूद है या फिर आपके स्टोर पर या आपके जहाँ पर भी आपने रखी है, ठीक है, प्रोडक्ट मौजूद है, आपने उसकी पिक्चर्स ले ले ली हैं और आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर आपने कहीं से सोर्स करनी है, तो आप फाइंड प्रोडक्ट्स पर जाके उधर से सोर्स कर सकते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं। तो इधर आ गया टाइटल, ठीक है, आपने प्रोडक्ट्स कौन सी सेल करनी है। जैसे चूज़ कर ले, हम यहाँ पर एक कप सेल कर रहे हैं, ठीक है, कप सेल कर लिया। आपने उसकी क्वालिटीज़ लिख लेनी है कि क्या फीचर है कप में, उसकी क्या खसूसियत है, ठीक है, जैसे ऊपर कोई टेक्सचर ऐसा है, ज़ेब्रा टेक्सचर और जो भी टेक्सचर है या फिर जो भी उसके बारे में डिटेल्स है, ठीक है। आप इधर लिख लेते हैं ए सिक्स कप्स, ठीक है, कप सिक्स कप्स और ज़ेब्रा टेक्सचर, ठीक है, ज़ेब्रा टेक्सचर, ये हमने इसका लिख लिया टाइटल, ठीक है, ये शो होगा। इसमें डिस्क्रिप्शन लिख लिया कि आपने कप की कौन सी क्वालिटी है, इसके ऊपर क्या टेक्सचर है, कोई डिटेल्स, कितना साइज़ है, ठीक है, आपने सारा उसका लिखना है, किस चीज़ का बना है प्रोडक्ट। इधर आपने उसकी डिटेल्स लिख लेनी है और यहाँ फिर उसका आपने उसकी डायमेंशंस देनी है कि कौन कितना उसका साइज़ है। इधर नीचे आएंगे, इधर आपने फाइल पे क्लिक करना है, ऐड फाइल पे, ठीक है। इधर आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, उसकी जो भी पिक्चर्स है आपने सेलेक्ट कर लेनी है इधर से ओपन करके। अगर आपके पास पिक्चर यूआरएल किसी गूगल पे आपके पास पड़ी हुई है, जी ड्राइव के ऊपर पड़ी है, तो आपने उसका लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। इधर जो भी आपके पास आपने इधर फाइल ऐड कर देनी है, वीडियो की फॉर्म में है या फिर इमेज की फॉर्म है या 3D मॉडल है, ठीक है। इसके बाद आगे प्राइसिंग। अब ये प्राइस है मेन प्राइस, ठीक है, जैसे आपने आपने लगाया, ठीक है, 450 का लगाया, ठीक है, कप सिक्स कप का पैक, ठीक है। अब आप पहले आपने अगर कंपेयर लगाना है, कंपेयर एट प्राइस होती है, जैसे आप पहले 650 का सेल कर रहे थे, ठीक है, अब वो 450 का सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस पे 60 जितनी भी परसेंट सेल लगेगी वो उधर शो होगा, ठीक है, 60% 650 होगा, उसके ऊपर क्रॉस बच के 450 प्राइस लिखी होगी, ठीक है। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, आप चार्ज टैक्स करना चाहते हैं तो इधर क्लिक कर दें, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर दें। आप कॉस्ट पर आइटम अगर लिखना, अगर किसी ने आपसे मतलब सिक्स पैक देख रहे हैं ना, अगर हमने एक के इधर लिख दिया 450 सिक्स पैक ही हम सेल कर रहे हैं, हम वो नहीं सेल कर रहे, ठीक है, एक पीस नहीं सेल कर रहे, ठीक है, 650 लगा लिए। आप जितने वो ऐड करेंगे प्लस 222, मतलब वो जितने चेक कार्ट के अंदर ऐड करी जाएंगे उतनी प्राइसेस मल्टीप्लाई होती जाएंगे, ठीक है। इधर आ गया एस के यू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपके लिए फ़ायदे के लिए होता है, जैसे आपने कितनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपके पास पड़ी हुई है टी शर्ट्स, पड़ी हैं कप्स, पड़े हैं आपके पास ज्वेलरी, पड़ी है, आपने सबको एक एक एस के यू दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपने एक यूनिट दिया हुआ है हर प्रोडक्ट को अलग। जैसे अभी एक लगा ले, हम अभी कप सेल कर रहे हैं ना, हमने ये आप ऑप्शनल होता है, आपने खुद देना है, आपने अपने अगर शीट बनाई हुई है सारे स्टॉक की, आपने उधर अपना खुद का आपने यूनिट दिया हुआ है सारों को, आप लिख सकते हैं। अब आपने कप को दे लिया, ठीक है, 1 2 3 एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, 1 2 3, ठीक है, आपने दे दिया हुआ है। अब आप जब दोबारा इधर आएंगे ना, आप सर्च करेंगे 1 2 3, तो फिर वो आपको कप शो करेगा, ठीक है। इसलिए होता है स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट का, ताकि आपकी सारी प्रोडक्ट्स मिक्स ना हो। जब आप एस के यू नहीं देंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कौन सी प्रोडक्ट सर्च करनी है, कौन से कस्टमर को आपने देनी थी, उसने क्या प्रोडक्ट ऑर्डर की है, ठीक है। बार कोड दे सकते हैं या एस के यू दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। आप इधर आपने वो दे लेना है अपनी प्रोडक्ट का, इसके नीचे लोकेशन आ गया, ठीक है, जो जोन सी भी लोकेशन है। अब इधर नीचे आ गया शिपिंग, शिपिंग होती है, दिस इज़ ए फिजिकल प्रोडक्ट, अगर फिजिकल प्रोडक्ट होती है जो सी आपके पास मौजूद हो फिजिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है, जैसे कप हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कप मौजूद है, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट है ये। जैसे हम कुछ सर्विसेज सेल करते हैं फेसबुक की या फिर अमेजोन की, ठीक है, हम उनकी अकाउंट हैंडलिंग की सर्विसेज सेल करते हैं, वो फिजिकल नहीं होती है, ठीक है, उसमें शिपिंग होती नहीं है, उसमें सिर्फ ऑनलाइन डीलिंग होती है। दिस इज़ ए फिजिकल प्रोडक्ट, इधर हमने उसका वेट लिख देना कितना वेट है, ताकि कस्टमर को पता चल जाए। अब इधर आ गया कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर अथॉरिटीज़ यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट ड्यूटीज़ वैन शिपिंग इंटरनेशनली शोन ऑन प्रिंटेड कस्टम फॉर्म्स, ठीक है, ये आ गया शिपिंग का डिटेल्स है, ठीक है। जैसे अगर आप लोकल शिपिंग से यो लोकल शिपिंग यूज़ कर रहे हैं, आप दूसरी शिपिंग यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी अब आप ड्रॉप शिपिंग का स्टोर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है चाइना के अंदर, आपने उधर से जो उनसे भी प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट की कंपनी है आपने उनको सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये उसके लिए है, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये कैसे फुल करना है, वरना दूसरी अगर आप लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल शिपिंग की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी भी
कुरियर सर्विस के साथ अपना अकाउंट बनाना है और आपने घर से डिस्पैच कर देना ऑर्डर, ठीक है। और पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी, या फिर आप दो तरीक़ों से पेमेंट ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑप्शन लाइक साइज़ और कलर। अगर आपकी कप्स हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, इसमें तीन चार कलर आ जाते हैं और साइज़ भी डिफरेंट आ जाते हैं, अगर छोटा साइज़ है, बड़ा, स्मॉल, बिग, मीडियम, जो सा भी साइज़ है। अगर आपके प्रोडक्ट के डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कलर हैं तो फिर आप इसको इनेबल करें, अदरवाइज़ आपको इसे वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। अब इधर आ गया सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, ठीक है। एड अ डिस्क्रिप्शन टू सी हाउ दिस प्रोडक्ट माइट अपियर इन अ सर्च इंजन लिस्टिंग, ठीक है। और आप इधर से एडिट वेबसाइट SEO, सर्च SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये कह रहे हैं कि आप इधर से ऐड कर सकते हैं कि कैसे आपके प्रोडक्ट सर्च इंजन में शो हो। जैसे हम फेसबुक शो लिखते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, फेसबुक शो हो जाती है उधर, फेसबुक वेलकम टू फेसबुक लॉग इन प्लीज़ लॉग इन, इस तरह वो कह रहे हैं आपकी प्रोडक्ट कैसे शो हो, ठीक है। आप इधर से एडिट करके चेक कर सकते हैं, बस आपने इधर से कर लेना है। आप इधर से आपने सेलेक्ट करना है इसको, प्रोडक्ट को एक्टिव कर देना है, या फिर आपने ड्राफ्ट फॉर लेटर यूज़ के लिए सेव करना है तो ड्राफ्ट कर दें, अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो एक्टिव कर दें। इधर से आ गया सेव चैनल्स एंड ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपने अपने चढ़ानी है, और ये इसका इसलिए बताया क्योंकि इधर ना हम फेसबुक भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक जगह के ऊपर पेस्ट करेंगे और तीनों प्लेटफॉर्म्स पे पेस्ट हो जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ अभी ऑनलाइन शो फेसबुक कनेक्ट नहीं किया हमने, वो आगे जाके सीखेंगे हम, अभी हम सिर्फ ऑनलाइन स्टोर का सीख रहे हैं, ठीक है। इधर हमने क्लिक कर देना है ऑनलाइन स्टोर पे और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इधर आ गया प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इधर से हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम इधर कप यूज़ कर रहे हैं तो हम इधर से किचन अप्लायंस लिख देंगे, या फिर जो सी भी जिससे भी रिलेटेड है, आप क्लोथिंग है तो क्लोथिंग यूज़ करें, ठीक है। जो भी आपकी कीवर्ड्स यूज़ करने हैं ये आपको आपके प्रोडक्ट फाइंड करने में मदद देगा। इधर से वेंडर, अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई शूज़ हैं या फिर कोई भी किसी ब्रांड के सेल कर रहे हैं तो आप इधर लिख सकते हैं, कलेक्शंस का नाम लिख सकते हैं, इधर से टैग यूज़ कर सकते हैं, कप, सिक्स पैक ऑफ कप्स लिख सकते हैं, आप जो भी आपकी चीज़ है ना उसका कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं इधर से। अब इधर से ऑनलाइन स्टोर थीम टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं, इधर से हम सेव कर देंगे तो हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, हमारे स्टोर के ऊपर। इस तरह ही आप जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड करने का सारों का सेम तरीका है, ठीक है, आपने इधर से ऐड कर लेनी है। और इधर डिस्क्रिप्शन में कुछ आपने देखा होगा कि कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर फोटोज़ भी होती हैं, वीडियोज़ भी होती हैं, तो आपके इधर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इंसर्ट इमेज करना चाहते हैं, वीडियो एडिट करना चाहते हैं, इंसर्ट टेबल करना चाहते हैं, तो इधर सारा चार्ट बन जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, बस आप इधर से देखें, इधर से फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। ये तरीका है प्रोडक्ट ऐड करने का। नेक्स्ट में हम सीखेंगे हमने अपना शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है, वो बहुत मेन कोर्स है इसका, बहुत क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे मिस मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।